कॉपी कर लें। हेलो ओके अच्छा अभी ये इक्वेशन जो है बिजनेस इक्वेशन, ये हम FA1 में पढ़ चुके हैं। इसको हम अभी ड्राइव करते हैं तो आपको याद आ जाएगा, ये वही इक्वेशन है जो FA1 में पढ़ी। ठीक है, इसको ड्राइव कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन को बिजनेस इक्वेशन, तो ये हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये हो गई आपकी कैपिटल एट स्टार्ट। ओके अच्छा, कुछ टाइम के बाद हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट की 50,000 की, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। और ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ ड्राइंग्स की पर्सनल यूज के लिए, माइनस हो गई। तो ईयर एंड पर आपका कैपिटल कितना होगा, सम कर लें इसका। ईयर एंड पे कैपिटल हो जाएगा 1,60,000। क्लियर है कैलकुलेशन, इधर और जो बैलेंस शीट याद है, इक्विटी में हम यही लिखते हैं ना, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अच्छा अब इस स्टेटमेंट को अगर एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल एट एंड इक्वल्स टू कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। ठीक है अच्छा, अभी एक इक्वेशन है तो मैथ की इक्वेशन होती है, इसमें अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे लेफ्ट राइट पे करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा फिलहाल हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, कि अगर हमें इस इक्वेशन से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना हो तो इक्वेशन क्या बनेगी प्रॉफिट के लिए। अभी कैपिटल एट स्टार्ट इक्वल्स टू के लेफ्ट पे जाकर माइनस होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेफ्ट पे जाके माइनस, ड्रॉइंग्स लेफ्ट पे जाकर प्लस हो जाएंगी, प्रॉफिट वही रह जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ तरह बन जाएगी, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल इन्वेस्ट। अच्छा इस बात से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो कहते हैं ड्रॉइंग तो माइनस होती है, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने देखे माइनस ही हो रही है ऊपर तो, उसको तो हमने अरेंज किया तो इसलिए साइन चेंज हुआ है। ये जैसे याद रखते वो तो अरेंज किया तो साइन चेंज हुआ, वैसे तो हमने ड्रॉइंग माइनस ही की है। ठीक अच्छा, हमने FA1 में यहाँ तक पढ़ा था ना, ये पेपर में लिखी थी ना इक्वेशन बिजनेस इक्वेशन के नाम से। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो वो बन जाएगी PIDC। जी असल में PIDC यही इक्वेशन है, ठीक है अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिख लें तो ये बनेगी PIDC। राइट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया P, P हो गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखे, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड में से कैपिटल स्टार्ट माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो निकलेगा, चेंज इन कैपिटल कह सकते हैं इसको आप, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट के डिफरेंस को आप चेंज इन कैपिटल कह सकते हैं। इसे ऊपर देखें, कैपिटल एंड पर कितना है 160, स्टार्ट पे कितना था, डिफरेंस क्या निकलेगा 60 का, तो 60,000 का आप कह सकते हैं ना, चेंज इन कैपिटल कितना आया 60,000 का, 60,000 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हैं, आई, अभी वहां लिखा है ना आई, क्या है चेंज इन कैपिटल, ड्राइंग्स हो गई डी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सी। तो इस इक्वेशन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगी PID। सही, ऐसे वाले मैंने यहां तक लिखवाया था आपको, ये सिंबल्स नहीं बताया, तो ये वही इक्वेशन है FA1। कॉपी कर लें इसको आप। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं, क्या लिखा, सोल ट्रेडर वांट्स टू कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ही गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। अभी ये नेट एसेट्स एट स्टार्ट, नेट एसेट्स एट एंड, इसके बाद ड्रॉइंग्स हैं और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, पी इक्वल्स टू आई प्लस पी
माइनस सी, ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस। आई कैप चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एट एंड है 15,000, माइनस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट 10,000। जब ड्राइंग्स ऐड होंगी, ड्राइंग्स कितनी है 6,000, माइनस करेंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल 4,000। ठीक, अब इसका जरा डिफरेंस निकाल लेते, पहले 5,000 प्लस 6,000 माइनस 4,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 7,000। ठीक, आंसर मैंने लिखे हुए हैंडआउट में, हाँ आंसर लिखे हुए ताकि वो कंफर्म होता रहेगा। जी, डिफरेंस क्यों निकाली, 5 का 6 का 4 का मतलब समझा नहीं। हाँ सम किया ना इसका मैं, 5 प्लस 6 11, पहले 5,000 में 6,000 ऐड किया, फिर 4,000 माइनस किया, 7 आ गया। इजी टॉपिक है, ठीक कुछ नहीं जी, कॉपी कर लिया। अच्छा के बाद पेस्ट भी करना है जी। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें भी हमें चले इक्वेशन में लिख लेता हूँ, यही प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें ये कह दिया, बिजनेस हैज नेट एसेट्स ऑफ 70,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड 80,000 एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद ड्राइंग्स हैं 25,000 और लॉटरी विन ऑफ 5,000 वाज पेड इनटू द बिजनेस, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ओके, अब नेट एसेट्स एंड पे कितने, 80,000। अब लिखेंगे 80,000 माइनस नेट एसेट एट स्टार्ट है 70,000, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ड्राइंग्स कितनी है 25,000, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5,000। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 80 माइनस 70 10,000 प्लस 25,000 माइनस 5,000। अरे 30,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट लॉस का कैसे पता चलेगा, हाँ पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव होगा तो लॉस। कॉपी कर लें, जी ठीक है, कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, सब थ्री में
क्वेश्चन 3, लिखा ट्रेडर्स कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 16,500 एंड इट्स कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर वाज 11,350। प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग है 3,300। अच्छा, नो न्यू कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं, पी इक्वल्स टू आई प्लस पी माइनस सी। तो पी कैलकुलेट करते हैं, उसमें देखिए कैपिटल एट एंड कितना है, 11,350 माइनस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट 16,500। ड्राइंग्स ऐड कर लेते हैं, ड्राइंग्स हैं 3,300 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जीरो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जीरो है ना इसमें, इसका डिफरेंस निकालने कितना आ रहा है, 5,150 माइनस में आ रहा है, तो माइनस 5,150 ऐड करेंगे 3,300 माइनस 18,050, तभी आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस 1850, तो ये हो जाएगा लॉस, ठीक है, 1850 का लॉस। जी कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा चेंज है। 4 में क्या, ऑन जनवरी 1 2000, अच्छछा ये डेट है जनवरी 1 2000, 2000 अमाउंट नहीं है, ठीक है। टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर आफ्ताब आज सोल ट्रेडर वर 1,35,945, ठीक है। ये एसेट्स लाइबिलिटीज हैं अप टू डिसंबर 31 2000। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 65,000 एंड टोटल लाइबिलिटीज डिक्रीज बाय 20,000। अच्छा ये इसने इंक्रीज डिक्रीज बता दिए, एंडिंग बैलेंस नहीं बताए। अच्छा विड्रॉ 30,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हो गई, मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। अच्छा अब इसमें हमें पहले तो कैपिटल फाइंड करना होंगे ना, क्योंकि इसने एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस दिया है, कैपिटल नहीं बताया। तो पहले तो हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट। पहले हम लिखते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, तो इसमें आपके एसेट्स कितने हैं स्टार्ट पे, 135,000 माइनस करेंगे लाइबिलिटीज 45,000, कैपिटल कितना आ जाएगा 90,000 हो गया कैपिटल एट स्टार्ट। अब कैपिटल एट एंड, अच्छा इसके लिए हमें चाहिए होंगे एसेट्स का क्लोजिंग ना, एंडिंग बैलेंस लेंगे, तब ये बताएं इसमें एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। हाँ देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि अप टू डिसंबर 31 एसेट्स इंक्रीज बाय 65,000, तो स्टार्ट पे एसेट कितने थे 135, इंक्रीज हो रहे हैं 165 से, तो ये ऐड कर लेंगे तो आपके पास एसेट्स एट एंड आ जाएंगे ना, 135,000 प्लस 65, ये एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा लाइबिलिटीज स्टार्ट पे थी लाइबिलिटीज 45,000, लाइबिलिटीज में क्या चेंज आ रहे हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है 20,000 से, तो 20,000 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी लाइबिलिटीज एट एंड, जिनको ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा 135 प्लस 65 ब्लैक हो गया, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज कितनी है 25, तो कैपिटल एंड आ जाएगा आपके पास 175,000, ठीक है। ये हमने कैपिटल फाइंड कर लिए स्टार्ट और एंड, अब प्रॉफिट लॉस
कैलकुलेट करेंगे तो वही इक्वेशन लिख लेते हैं, पी इक्वल्स टू आई प्लस डी माइनस सी, ये डी सी। अब ये हो जाएगा आई क्या होगा, नेट एसेट्स एट एंड कितने, 175 माइनस स्टार्ट 90, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है 30,000 ड्राइंग्स है, और माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000, डिफरेंस कितना आएगा इसका, 85 प्लस 30,000 माइनस 20,000 आ रहे 95,000 पॉजिटिव, तो होगा प्रॉफिट है, ठीक है 95,000 प्रॉफिट आ जाए जी। क्लियर, कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं स्टूडेंट्स? क्लियर रहेगा, चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें 5 थोड़ा सा चेंज है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, मैरी गोल्ड कंपनी हैड एन इंक्रीज इन, अच्छा क्या लिखा, हैड एन इंक्रीज इन टोटल एसेट्स ऑफ 48,000 एंड अ डिक्रीज इन टोटल लाइबिलिटीज ऑफ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा यहाँ सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं। ओनर मेड नो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट विथड्रॉ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन 4 में क्या था, उसने एसेट्स का हमें बताया था ना, इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ डायरेक्ट वो हमें नेट एसेट का बता रहे हैं, एसेट का इंक्रीज डिक्रीज बता रहा है सिर्फ, वहां उसने हमें बैलेंस दिए थे। अब यहाँ सिर्फ कह रहे हैं कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 48,000 से, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है 60,000 से।
प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो वही इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो माइनस सी। इसमें आई क्या होगा, आई क्या होता है चेंज इन कैपिटल ना, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे आई, आई कैसे कैलकुलेट होगा। वो तो कैपिटल होता है ना, आई क्या है चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। सिक्स में हमने फोर में क्या किया था, पहले हमने कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट किया फिर कैपिटल एट एंड दोनों का डिफरेंस लिया तो आई आया ना, आई तो क्या है चेंज इन कैपिटल है। यहाँ पर उसने क्या दिया आपको, सिर्फ बता रहे कि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं 48,000 से, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। कैपिटल में क्या चेंज आया, तो हम ये चाहिए ना चेंज इन कैपिटल, क्या करें और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कितना 54 मतलब चेंज होगा। ठीक है जी चलें देखते हैं आंसर क्या बनेगा, 42। अच्छा आप कह रहे हैं 54 हो जाएगा, ठीक है बाकी बताएं, बाकी बताएं बता 54 जी, किसको किसमें ऐड करें, क्यों 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 करें वजह, तो आंसर सही आ जाएगा इसके। हाँ अच्छा आप क्यों कह रहे थे ऐड क्यों कर लें दोनों को, रीजन बताएं पता ऐसे बता देना। पता एसिडिटी में लाइबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, रेस होता आंसर तो खैर सही है। हाँ बताता देखें आंसर 54 आएगा, अब समझ लें कैसे। ठीक है नेट एसेट्स क्या होते हैं, नेट एसेट्स या कैपिटल क्या होते हैं, यहाँ लिख लें ना कैपिटल नेट एसेट इक्विटी एक ही बात है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं नेट एसेट्स इक्वल्स टू क्या होंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ना। ठीक है अच्छा अब एसेट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करें कि एसेट्स का बैलेंस है हमारे पास 3 लाख, लाइबिलिटीज का बैलेंस है आपके पास 1 लाख, नेट एसेट्स कितने होंगे 2 लाख हो जाएंगे। अच्छा अब अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो, एसेट्स में अगर इंक्रीज आ रहा है तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा, अगर एसेट 3 लाख से 4 लाख हो जाएं तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होंगे। ठीक है और एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाएं 3 लाख से 250,000 हो जाएं तो नेट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट और नेट एसेट्स हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसेट इंक्रीज होंगे तो नेट एसेट इंक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है तो एसेट और नेट एसेट्स तो हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, सही। अच्छा लाइबिलिटीज पे आ जाएं, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज होंगे और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो तो नेट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो इट मींस के लाइबिलिटीज और नेट एसेट आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, सही। अब इसको ध्यान में रखते हुए आई कैलकुलेट करते हैं, आई तो क्या होता है चेंज इन कैपिटल है ना, चेंज इन कैपिटल या नेट एसेट्स। अब यहां देखें एसेट्स में क्या चेंज आ रहा है, एसेट्स 48,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट एसेट्स में क्या इफेक्ट आएगा, नेट एसेट इंक्रीज होंगे, देखिए नेट एसेट्स आपके 48,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद अब लाइबिलिटीज में क्या चेंज आया, लाइबिलिटीज 6,000 से डिक्रीज हो रही है तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो 6,000 भी क्या होगा प्लस कर दें, टोटल इंक्रीज कितना आया 54,000, ये आपका आई हो जाएगा 54,000। अच्छा तो यही कैलकुलेशन हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी कर सकते थे तो उससे वो क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाता मजीद, तो ये वहां ये कैलकुलेशन करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ हमने आई कितना कैलकुलेट किया था, आई क्या है तो हमारा 85 ना, इसको अब हम डायरेक्ट इसी अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं 85,000, आई 85 डायरेक्ट भी आ सकते हैं कैसे, यहां पर 4 में एसेट्स में क्या चेंज आया था, एसेट इंक्रीज हुए थे कितने से 65, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 65,000,
इंक्रीज। और लायबिलिटीज में क्या चेंज आया, तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज है तो नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे ना, 20,000 का इंक्रीज, टोटल इफेक्ट कितना आया, 85,000 का इंक्रीज आ गया। पहले भी ये आंसर आया था 85, पहले वर्किंग थोड़ी लेंदी थी, अब वर्किंग आपकी शॉर्ट हो गई। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन फोर में भी इस तरह से हम नेट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो पी हमारे पास, ठीक है, तो आई हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 54,000। ड्रॉइंग्स कितनी है, 6,000, ये नहीं, और एडिशनल कैपिटल, नो एडिशनल कैपिटल है, जीरो। प्रॉफिट होगा आपका 60,000 प्रॉफिट है। कॉपी कर लें, और ये क्वेश्चन नंबर फोर के सॉल्यूशन में आप ये भी ऐड कर लीजिएगा ना कि आई हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आई वाली कैलकुलेशन फोर में लिख लीजिएगा और फाइव पूरा कॉपी कर। ठीक, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ से टॉपिक में अब चेंज आएगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे मिसिंग फिगर्स वाले। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में वैसे वैरायटी काफी है। ठीक, हाँ, अब यहाँ से सिक्स से स्टार्ट होंगे मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन। तो रीड कर लें, पहले क्या सेल्स का कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है आपको, बैलेंस कितना है 12,000, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 40, क्लोजिंग बैलेंस है 16, कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट सेल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगी, क्या बनाए, क्या करें, या फिर बनवे क्वेश्चन हमने किए थे क्या प्लान किट में, इस तरह के मिस्टेक फिगर्स वाले याद है, पास हो गया ना। तो अच्छा, आप लोग तो फिर भूल ही जाए। हाँ जी, क्या करें उसमें, आप क्रेडिट सेल कैलकुलेट क्या हो, सही लग रही है, काम कर, जरूरत मत करें, बता दो जाए तो पीछे बंद नहीं कीजिएगा, इसको नीचे करते हैं फ्लैट, अच्छा नीचे करते हैं फ्लैट नीचे, बाकी बंद के लिए तो ब्रेकर है उसको नीचे कर सकते हैं, गर्मी हो जाएगी। नहीं बस ऐसी क्या है, अब डायरेक्ट थ्रो नहीं आएगी, अब तो नहीं आ रहे हैं। जी अच्छा, इसमें हमें क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी है, डेटा किसका दिया हुआ है, गिवन क्या है, बैलेंस ऑन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। तो रिसीवेबल अकाउंट बना के हम क्रेडिट सेल्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसमें कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट सेल्स फाइन कर लेते हैं। तो ये आपका एक कंट्रोल अकाउंट का रिवीजन हो जाएगा छोटा सा। तो देखिए अकाउंट बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जी बिल्कुल, नहीं डेट कहाँ है, क्या डेट, क्या फ्री है, फ्री क्या, हम बना रहे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट,
अच्छा, अब ये बताएं इसका रिसीवेबल का ये ओपनिंग बैलेंस है किस साइड पर आएगा? डेबिट 12,000 हो जाएंगे डेबिट। इसके बाद ये दिया हुआ टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 40,000। इसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हम बना रहे हैं रिसीवेबल तो क्रेडिट हो जाए, तो रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं। रिसीवेबल को देखते हैं हमने डेबिट या क्रेडिट। इसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस ऑन रिसीवेबल, ये किस साइड आएगा? कैरी डाउन क्रेडिट में आएगा। रिसीवेबल का ओपनिंग डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होगा ना, सीधी गया ना, कंट्रोल होना। एग्जाम वालों के साथ यही होता हाँ जी, है। बिल्कुल, आपने पढ़ा कब? आपने पढ़ा था कि पूछो। हाँ FA1 पढ़ाई का था, आप लोग सीरियस ही नहीं लेते FA1 को, यही होता है एग्जाम वालों के साथ। क्या बिल्कुल, जी, आप अच्छा किसी लग को, रहा है यार, और किसी को तो आता ही बात नहीं पढ़ाना, मुझे याद है। अच्छा, अच्छी अब क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री, रिसीवेबल अच्छी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो रिसीवेबल डेबिट सेल्स कहाँ जाएंगी? डेबिट साइड पे ना, और ये हमें फाइन करनी है। अब क्या करेंगे आप? क्रेडिट साइड पे टोटल करें 56,000, डेबिट में से ये 12,000 माइनस कर दें, 56 में से ये 44,000 आपके पास आ जाएंगी क्रेडिट सेल। तो ये आंसर हो गया आपका 44,000। अभी कर लें, ठीक है। अभी 4-5 क्वेश्चन है, कौन कहाँ से डिफरेंस निकाला हमने? ये क्रेडिट का टोटल किया, ये 56,000, ये 56 यहाँ लिखा, इसमें से ये 12,000 माइनस किए, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके पास। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होंगी हमारी? क्रेडिट सेल्स होगी 44,000। ठीक है, तो इसमें एक आपका इस कंट्रोल अकाउंट का एक रिविजन हो जाएगा। कॉपी कर लें, पहली क्लास है, पहली क्लास बहुत हल्का रखें। सेवन, ओके। अब सेवन है, एट 1 अक्टूबर 2001 मारियाज अकाउंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू 7,440। अच्छा, इन द ईयर टू 30 सितंबर 2002 हर शी रिसीव 61,080 फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, शी हैड टू राइट ऑफ 384 एज इरिकवरेबल डेट्स, सेल्स रिटर्न 1,020 और रिसीवेबल का क्लोजिंग है 8,163। इसमें भी क्रेडिट सेल्स फाइंड कर ली, तो भाई रिसीवेबल अकाउंट कंट्रोल अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,440, 7,440 आ गया ओपनिंग बैलेंस। के बाद है शी रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, 20 क्या होती है? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 61,080 से, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैश। इसके बाद शी हैड टू राइट ऑफ 384 एज इररिकवरेबल डेट्स, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ की इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 384 से, और यहां पे लिख लेते हैं बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स। के बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री, डेबिट सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न का। अच्छा, इसके बाद लाइन यहाँ मैं इंसर्ट कर दूँ पहले। अच्छा, इसके बाद अब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 8,163, ये कैरेट डाउन आ जाएगा 8,163।
फाइन क्या करनी है, क्रेडिट सेल्स। तो ये क्रेडिट सेल्स कहाँ आती है, रिसीवेबल में डेबिट हो जाती है ना। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। अब क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 70,637, ठीक है। तो डेबिट पे लिखते हैं 70,647, और इसमें से अब ये 7,444 माइनस करें, 66,320.7 बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये होंगी हमारी क्रेडिट सेल्स 63,207। लेकर 55 जी, बड़े भी हैं और बहुत तेज। एट का आंसर है। चलिए एट रीड कर लें। अच्छा, इसमें ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का 50,000, रिसीव फ्रॉम कस्टमर 45,000 है, इरिकवरेबल डेट्स 5,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 55,000, ठीक है। वही क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, आप लोग सॉल्व करें। चले जी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन इनका नहीं हुआ करवा दे। पहले तो वही क्वेश्चन, इसमें कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। कंट्रोल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000 डेबिट होगा, के बाद है। अच्छा ये दिया हुआ, देखिए टोटल रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर है। अब ये क्रेडिट कस्टमर नहीं लिखा हुआ, टोटल देखिए इसमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ लिखा था क्रेडिट कस्टमर, रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो हमने एज इट इज लिख लिया था ना अमाउंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर है। कस्टमर तो दोनों होते हैं, कैश सेल्स वाले भी होते हैं, क्रेडिट सेल्स वाले भी होते हैं ना। 55 आगे लिखा, ऑफ विच 15,000 रिलेट्स टू कैश सेल्स। तो कैश सेल्स रिसीवेबल में नहीं आती। 55 में से 15 माइनस करेंगे 40, तो 40,000 यहाँ पे आप पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड, रिसीवेबल में 40 आएंगे। 40,000 क्या होंगे, रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। इसके बाद सेल्स रिटर्न है 3,000, एडिट होंगी। ठीक है, बाद आपके क्लोजिंग बैलेंस है 37,000, एडिट पे आएगा। और यहां से हम सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका क्रेडिट साइड का टोटल 80,000, जैसे माइनस करेंगे 30,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 50,000, और ये होंगे हमारी क्रेडिट सेल्स। रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होती है आपकी, यहाँ क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स ना, तो क्रेडिट सेल्स है 50,000, इसमें कैश सेल्स ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ गिवन है 15,000, टोटल सेल्स हो जाएंगे आपकी 65,000। ये आंसर आ जाएगा इस तरह, 65,000। क्वेश्चन और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ा करें। हो गया 65। कॉपी कर रहा है कोई, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देख लें क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलो, इसमें पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये बैलेंस आखिर में दिया, 1 जनवरी 2005 35, ओपनिंग बैलेंस 35,
बैलेंस है इसका 50, ये कैरी डाउन आ गया 50. अब ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, कैश पेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, इसकी डबल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे बैंक, बाकी बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है हमें ना. अभी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, डेबिट करते हैं 7250 और यहाँ लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल. इसके बाद है पेमेंट्स टू सप्लायर 320 क्रेडिट हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं अकाउंट्स पेबल. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये लाइंस यहाँ पे पहले इंसर्ट कर दूँ एक दो. ड्राइंग्स तो हमें कैलकुलेट करनी है ना, एक ही बात है, एक ही बात है. ड्राइंग्स ये तो हमें फाइंड करनी है ना, ठीक है. ड्राइंग से बाद है एक्सपेंसेस पेड, क्रेडिट हो जाएंगे, एक्सपेंस हो गए आपके क्रेडिट, ठीक है. कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. अब क्रेडिट साइड का, अब इसमें हमें डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है. टोटल कितना है डेबिट का, 7285, 7285. अब इसमें से 7285 में से ये पूरी क्रेडिट साइड माइनस कर दें. गलत किया, सही है, सही है, सही है सर, एरर आ गया. ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एंट्री कैश क्रेडिट. हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश का तो क्रेडिट पे लिखेंगे ना, ड्राइंग का अकाउंट नहीं बना रहे. आवाज नहीं, अकाउंट कौन सा बन रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश के अकाउंट में ड्राइंग किस साइड पर आएंगी, क्रेडिट साइड. तो अब हमें कैश अकाउंट बनाकर ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए क्रेडिट पे लिखेंगे ना. सही, आप बोलें क्या सीक्वेंस. अब इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें पूरी, 12, 65, तो ये आ गई आपकी ड्राइंग्स, ठीक है. आपने ये देखा होगा अकाउंट कौन सा बन रहा है ना, इसको देखना. कैश अकाउंट बन रहा है तो कैश अकाउंट में ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पर आती है, ठीक है. कॉपी कर लें.